हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे नॉन वेज एंड वेज का मिक्स पिज्ज़ा। तो इसके लिए हमें चाहिए कटी हुई प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, कटी हुई टमाटर, कटी हुई गाजर और ये मटन कीमा जो मैंने पहले से इसको बना कर रखी थी, सूखा सूखा बना लिए थे इसको। और चाहिए मोजारेला चीज़, नमक, भुना हुआ काली मिर्च, मिर्च पाउडर, एगलेस म्यूनीज, बटर, सॉस और ये रेडीमेड पिज्ज़ा बेस। तो पहले हमने ये सब पूरा वेजिटेबल को पहले पका लेते हैं। तो चलिए, तो पहले मैंने सब्जी को गैस पे पूरा थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। एकदम से पूरा नरम नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही पका लेना है इसको। टमाटर थोड़ा बाद में डालेंगे, नहीं तो हमारा ये गाजर सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। इसमें डालते नमक स्वाद अनुसार, मिर्च पाउडर, हम 2 मिनट पकाने के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे टमाटर। दो मिनट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। इसमें आप भुट्टा की दाना भी डाल सकते हैं और इसमें डालेंगे हम भुनी हुई काली मिर्च 2 टीस्पून। इसको स्लो फ्लेम में पकाएंगे, इसको लो फ्लेम में 5 मिनट तक पकाएंगे, फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। मैंने ये वेज टॉपिंग रेडी कर लिया है और नॉन वेज टॉपिंग भी रेडी है और मोजारेला चीज़ को मैंने ग्रेट करके रखी। अब हम बनाने शुरू करते हैं। मैंने पिज्ज़ा बेस ले लिया है और इसके ऊपर हमने एक बटर का लेयर स्प्रेड कर देती हूँ। ये देखिए, ऐसा स्प्रेड कर देना है। फिर इसके ऊपर हम मेयोनीज ऐड करेंगे। मेयोनीज को भी ऐसे स्प्रेड करना है। अब हम इसके ऊपर टमाटर सॉस ऐड करेंगे। इसको भी ऐसे स्प्रेड कर देना है।
मैंने हॉट एंड स्वीट टमाटर सॉस यूज किया है। अब हम इसके ऊपर ये मिक्स वेज टॉपिंग डालना है। ऐसे पूरा पतला लेयर डालना है इसके ऊपर। इसको भी ऐसे स्प्रेड कर देना है। ये देखिए ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है ये। हमारा ये वेजिटेबल मिक्स लेयर डालना हो चुका है। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे मटन कीमा। इसको भी भेज के तरह लेयर बना देंगे। ऐसे करके फैला लेना है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड मोजरेला चीज। ये देखिए मेरा लेयर देना हो चुका है। अब इसको हम ओवन में बेक करेंगे। अब मैं ओवन पे ये पिज़्ज़ा को रख दिया हूँ 2 मिनट के लिए। मैंने हाई पावर में रखा है। जब ये पिघल जाएगा मोजरेला चीज़ तभी आप लोगों को निकालना है। हमारा 2 मिनट में पिघल जाता है। मैंने अभी बंद कर रहा हूँ। ये देखिए पक रहा है। 2 मिनट में हमारा पिज्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा। अब ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। 2 मिनट हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम पिज़्ज़ा कटर से कट के सर्व करेंगे। ऐसा कट के आप खा सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।